बिन आदिल नाम शिकार खेलने के लिए मक्का मदीना से बाहर गए तो देखा उस फासले पर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे आका के वालिद इकरामी साहिब हुस्न व जमाल वो भी शिकार खेल रहे हैं। देखा कि अचानक आठ लोग आठ हम मुसल्ला हथियारों से आए और कत्ल के इरादा से हज़रत अब्दुल्ला पर हमला आवर हुए। अब आप पूछेंगे कौन थे और क्यों? ये यहूदी थे और बनी इसराइल और यहूद सेम चीज़ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम या याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम यहूदा था। वो साहिब इख्तलाफ़ और बाद के लोग हैं यहूदी कहलाए और ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आते थे उनकी नस्ल से हैं, जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अव्वल साहबज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से। तो ये यहूदी आज भी मुसलमानों के इसलिए दुश्मन हैं कि आखिरी नबी उधर क्यों चले गए, ये तो हमारे अंदर थे। इस ज़िद की वजह से ये यहूद इनको इन्होंने सारी तौरात को छान मारा और इन्हें कन्फर्म हो गया कि ये हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु आखिर ज़मान नबी के वालिद थे। चुनाचे ये हमला आवर हुए जब कत्ल के इरादे से अब्दुल्ला ने पूछा मुझे क्यों मारते हो, तो मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। वो बोले बिगाड़ा तो कुछ नहीं मगर तुम नबी आखिर ज़मां के वालिद हो, तुम्हारी निशानी में मोहम्मद अरबी का नूर चमक रहा है, हम चाहते हैं तुम्हारा ही खात्मा कर दें, ना तुम रहोगे ना वो पैदा होंगे। लेकिन फारूस बम के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की तो बेइज्जत और विलादत होनी थी। खैर वो हमला आवर हुए अकेले हज़रत अब्दुल्ला उनके मुकाबला के लिए, उसका दिफा किया मगर वो आठ ही अकेले। तो हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा के वालिद हज़रत वहब ने देखा पूरी ताकत से हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला आवर हुए। इसी दौरान फिर हज़रत वहब रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि कुछ देर तो मुकाबला हुआ मगर फिर गैब से चार ऐसे शख्स नमूदार हुए जिन्होंने सर्द लिबास पहना हुआ था। बस वो चार आए और उन्होंने आठों को कत्ल कर दिया और हज़रत अब्दुल्ला से फरमाया कि आप आइंदा इस तरह बाहर ना आया करें। इस तरह हज़रत वहब ने हज़रत अब्दुल्ला का ये कमाल जब देखा फौरन जाके घर में इरादा फरमाया कि हमारी बेटी हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा जो बड़ी हैं हम इनका निकाह हज़रत अब्दुल्ला साहिब उसमें जमात से कर दें। चुनांचे निकाह हुआ और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम की इनसे विलादत हुई, जिनको पाके हरी जिनको पाके हलीमा गनी हो गई आमिना तेरी दौलत पे लाखों सलाम।